जब गोवा नए नए आते हैं तो शौक चढ़ा होता है। शौक का मतलब समझ जाओ। कई बार हमें रिग्रेट फील होता है कि यार मैं खास कोशिश करता तो हमें कुछ ना कुछ तो फायदा होता या हो सकता है हम अच्छा हो जाते। तो इसलिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए। ऊपर से धमकियां भी दे देती है कई बार तो, कि खाना बिल्कुल बंद कर दूंगी आपका अगर ये पेट कम नहीं हुआ तो। सो गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी बस लाइव ख़त्म कराया अभी और उसके बाद लग गए अपनी खेती पे। तो लाइव में मैंने बताया था लोगों को जो जुड़े हुए थे कि अभी पानी देना है, तो अभी पहले यहाँ पे पूरा पानी देना है पूरे खेतों को। खेतों मतलब यही अपनी जो यहाँ पे मिर्चें वगैरह हैं, खेत नहीं बोल सकते बट हाँ छोटी छोटी क्यारियाँ हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, पहले अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये अपनी किसान देखो पानी देते हुए और मैं दूर दूर खड़ा हुआ हूँ। मेहनत मोनिका ही ज़्यादा करती है, मोनिका का इसमें बहुत इंटरेस्ट है खेती में। मैंने तो बहुत करी है, करी मोनिका ने भी है तो इसीलिए इंटरेस्ट है। ये आइडिया भी मोनिका ही था, मोनिका का था। मेरा इंटरेस्ट है इसको खोदने में, जो हार्ड काम है वो मुझे करने का मन करता है। बस छोटे हल्के फुल्के काम मोनिका को दे देता हूँ। थोड़ा झगड़ा चल रहा है, कुछ शायद एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है। टूरिस्ट है एक तो रेंटल है और दूसरे कोई और लड़के हैं, वो शायद लोकल है। ये लंबा चल रहा है झगड़ा और गाड़ी बीच में अड़ा रखी है, कुछ और लोग भी आ गए अब। ये ही नहीं पता है गलती किसकी है, बात करनी साइड में करके कर लो यार। तो कल शाम को पानी उनी देके गए थे, सुबह फिर आ गए इधर और रास्ते में आपने देखा होगा थोड़े से वो लोगों आपस में मतलब झगड़ा चल रहा था। एक टूरिस्ट थे और दूसरे एक लोकल थे, हमें नहीं पता किसकी गलती है। देखो क्या था, हाँ और क्या रीजन था, रीजन जो था बस वो साइड वाइड लेने का रीजन था। एक बाइक पे थे एक गाड़ी से थे, तो वही मैटर था। ज़्यादा मैं अंदर इसलिए नहीं घुसा, काफ़ी लोग कहेंगे आप गए क्यों नहीं वहाँ जाके, आपने उनसे बात क्यों नहीं करी। तो देखो लड़ाई झगड़े ऐसी जगह ना, उनमें थोड़ा सा जितना आप बच के रहो उतना अच्छा है। पता नहीं सामने वाला किस मूड में है, क्यों है, किसकी गलती है, हमें नहीं पता ना। तो हम जाके बीच में उसमें टांग अड़ा दें वो अच्छा नहीं है। हाँ हमें पता भी नहीं है मैटर क्या है। हाँ तो यही रीजन होते हैं, मैं इसलिए नहीं घुसता हूँ जल्दी से। और फिर फैमिली साथ है तो हमें भी अपनी फैमिली देखनी है, और लड़ाई झगड़ों से जितना दूर रहे उतना अच्छा रहता है। तो अभी फिर से आए हैं यहाँ पर। हमारे साथ अभी दिक्कत क्या हो रही है, हमारी ना ये मिर्चें बड़ी अच्छी हुई थी लेकिन ये सब ऊपर से खा गए। ये खा कौन रहा है, ये खा रहा है यहाँ पे लंगूर। इधर ना बहुत लंगूर रहते हैं पीछे की तरफ और वो यहीं घूमते रहते हैं। अब ये जो मैंने हैरी ढिल्लो 2.0 लगाया था वो काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ पे वो रात को बोलता नहीं, कुछ नहीं करता, वो सब खा गए ये ऊपर से। ये वाले पौधे पे दो दो, मैं जो कह रही थी ना छोटी सी मिर्चें देखी थी, मिर्चें थी उस पे थी। अब कोई अगर किसी को पता हो तो बताना मुझे क्या इसका कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो वो ना आए इधर, क्योंकि बहुत सारी खाई हैं और काफ़ी अच्छी जमी थी ये, उधर की भी खाई जाएगा फिर। तो ये जितनी भी मिर्चें खाई हैं ना वो इधर की तरफ खाई हैं, उधर की तरफ देखो सब ऊंची हैं। वो उधर ही काम कर रहा है जो ये हमारा लगा हुआ है आदमी, इधर की तरफ काम नहीं कर रहा। तो इधर भी मुझे लग रहा है कि या तो ये लगाना पड़ेगा इस कोने पर भी, सो दैट डरे बंदर आते हुए इधर जो लंगूर आते हैं। तो अभी वापस निकल रहे हैं घर की तरफ और देखो हमारा क्या है, मेहनत अपनी पूरी करो और चाहे फल आपको मिले ना मिले मिलता तो है, एक दिन जरूर मिलता है। हाँ नहीं बट कई बार क्या होता है रिग्रेट फील नहीं होता कि हाँ मैंने कोशिश नहीं करी। हाँ।
कई बार हमें रिग्रेट फील होता है कि यार मैं खास कोशिश करता तो हमें कुछ ना कुछ तो फायदा होता या हो सकता है हम अच्छा हो जाते। तो इसलिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए, चाहे आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। कई बार हम पहले रिजल्ट की सोच लेते हैं, तो हमारा ऐसा फंडा है इसीलिए हम लगे रहते हैं चीज़ों पे। और अभी कॉटेज का बोले तो अभी खैर बुकिंग्स कम है, बट कोई नहीं, ये चलता है। हाँ, और फार्मिंग है, फार्मिंग में क्या है, अभी जैसे बंदर आने लगे तो अब एक और हैरी ढिल्लो लगाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ। किसी को साइड में बैठाना पड़ेगा जो वहाँ पे उसको देख सके। क्या पता मोनिका लगा दो, क्या पता मेरे से ज्यादा डर जाए बंदर। हाँ, ये भी हो सकता है। तो अभी वापस चलते हैं घर, नाला को देखते हैं अभी चल के, नाला क्या कर रही है आजकल। वो बहुत शैतानी कर रही है, बहुत मस्ती भी कर रही है आजकल, खिड़कियों से कूद कूद के आती है। हाँ, वो बाहर जाती है और बाहर से फिर खिड़की से वापस आती है। तो उसे नए नए स्टंट मारने में मजा आ रहा है आजकल। तो अभी हम निकल रहे हैं सब्जी लेने के लिए, और आज जैसा कि यहाँ पे बोटिंग भी है, आज है 14 फेब, तो हैप्पी वैलेंटाइन डे मोनिका सबसे पहले। तो पता चला मोनिका ही नाराज़ हो जाए पहले। और ये देखो यहाँ पे मतलब बोटिंग है, बट ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बंद हो गई या कुछ भी, दुकानें भी खुली हैं सारी, बस वो उतनी देर के लिए बंद करते हैं जितनी देर क्या वोट करने जाते हैं। बाकी टूरिस्ट भी चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ दिन है हमारा बोट है नहीं। तो हमने सोचा कि चलो घूम के आते हैं, पहले सब्जी ले आएँ और साथ साथ थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, और भी जो काम है वो कर लेते हैं आज। आज वैसे तो कहीं जाना होना है नहीं। मटर है? नहीं, मटर है। देखो मैंने वही बोला था ना, अच्छा कर रहा है मोनिका को लेकर आया, वरना मैं कुछ लेके नहीं जाता, फिर छोड़ के जाता। तो ये यहाँ सब्जियाँ मिलती हैं देखो गोवा में, इधर ये पुदीना है, ये प्याज है हरी वाली, मूली, ये है रेड भाजी, मेथी, वो मेथी है, बाकी वो अंदर है पूरी दुकान। और ये वाले बनाना यहाँ के बड़े फेमस है, कोई टेस्टी बहुत होते हैं, छोटे वाले मीठे भी होते हैं ना। अंदर आ जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं? इधर भिंडी है, बीन्स, गाजर, यहाँ पे रेड वाली नहीं मिलती, ये वाली मिलती है हल्की सी, ये जो कलर होता है ऑरेंज, जो बिल्कुल रेड होती है, डार्क रेड, वो अपने उधर मिलती है ज़्यादा। छोटे बैंगन, बड़े हरी मिर्च, टमाटर, और ये इधर बाकी सारा कुछ। इधर जाके पोलिंग बूथ बना हुआ है, आगे जाके स्कूल पड़ता है वहाँ पे, तो वहीं पे सब लोग आ रहे जा रहे हैं। और ये इधर एक रेस्टोरेंट है, और ये यहाँ पे शॉप है डेली यूजेस के, सारे सामान इनके पास मिल जाएंगे। तो सब्जी ले ली, अब चल रहे हैं वापस घर। और मोनिका ने चला चला के मेरा पेट कम कर दिया, मुझे उम्मीद थी कि ये कम नहीं होगा, इसे बढ़ाना है और, बट कम करा दिया मोनिका ने। ऊपर से धमकियाँ भी दे देती है कई बार तो, कि खाना बिल्कुल बंद कर दूंगी आपका अगर ये पेट कम नहीं हुआ तो। तो फिर मुझे डर लगता है, मगर नहीं यार, खाना तो चाहिए होगा, और चाहे पेट छोटा भी चल जाएगा पर उसे खाना तो चाहिए ही चाहिए, छोटे पेट को भी। अभी देखो ये चुप है, बिल्कुल शांत। मैं ऐसी कोई धमकियाँ नहीं देती। नहीं, पहले जब मैं ये 2021 में हम इधर आए थे ना, उसके बाद में मेरा पेट बढ़ा था यहाँ पे आके। वो होता है ना गोवा का शौक, जब गोवा नए नए आते हैं तो शौक चढ़ा होता है। शौक का मतलब समझ जाओ, तो उस टाइम बियर ज़्यादा हो जाती पीते थे हम क्या मैं, तो इसलिए उस टाइम पे पेट बढ़ गया था। अब मैंने सब लिमिट में कर दिया बिल्कुल A to Z, मगर कुछ बाहर नहीं आना चाहिए। में कहते हैं तो बढ़ा हुआ किसको। चलो अब तुम मेरी खिंचाई करोगी, इसलिए मैं अब कैमरा बंद करता हूँ, अब चलेंगे घर। ये देखो ये जब इसे कुछ चाहिए होता है तो पैरों में लेटती है। आ जा खाना, आ जा चल। अब आइए देखो, आ जा खाना, खाना खाओ। तो इसको बार बार बोलना पड़ता है कि खाना खा ले तब आके खाती है। खाना छोड़ रखा होगा मगर खाती नहीं है। और आज इसका खाना भी लेकर आना पड़ेगा, ये खाली हो गया, तो शाम में ही लेकर आएंगे अब। तो ये है हमारा बैकयार्ड, अब हमने कर दिया है कुछ इस तरह का, दिखाता हूँ आपको। ये
और इधर कपड़े भी सूखते रहते हैं हमारे, उनका ध्यान मत देना। तो यहाँ पे हम बैठ के डिनर अब आजकल यहीं करते हैं। हाँ। और खूब मस्ती आ रही है। बाकी मोनिका की धमकी तो मिली ही गई, वो अभी भी कंटिन्यू है। अगर मैंने 15 दिन का टाइम दिया है, अगर पेट कम नहीं हुआ तो खाना बंद। चलो भाई मेहनत कर लेंगे, भाग लेंगे, थोड़ा रेस लगानी पड़ेगी जाके, बीच पे लग रहा है। तो आज का व्लॉग जो था थोड़ा घर से था, और अभी ये डेली व्लॉग था आज का पूरा, क्योंकि आज कहीं जा नहीं रहे, इलेक्शन का दिन है, तो इसलिए हमने भी सोचा कि आज घर पे ही रेस्ट करते हैं और जो जो कर रहे हैं वो दिखाते हैं। तो होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये आ गई देखो नाला, इधर की तरफ इसका अब सतानिया स्टार्ट हो जाएंगी, ये यहीं पे घूमती है खूब मस्ती में।